कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी जिसकी वजह से एक साल में लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कैंसर मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एक बार जो व्यक्ति कैंसर का शिकार हो जाता है तो वह अपने जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ देता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आज के समय में हमारे पास कैंसर का कोई पक्का इलाज नहीं है। लेकिन हाल ही में मेडिकल साइंस ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसकी वजह से कैंसर को पूरे तरीके से ख़त्म किया जा सकता है और कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को एक नया जीवन दिया जा सकता है। आखिर क्या है ये दवा, जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाइनली कैंसर को जड़ से ख़त्म करने का सपना सच हो गया है। कैंसर के इलाज को लेकर दुनिया भर में कई रिसर्च और ट्रायल चल रहे हैं और अमेरिका में ऐसे ही एक ट्रायल के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल अमेरिका के मैनहट्टन शहर के मेमोरियल कैटरिंग कैंसर सेंटर में 18 लोगों पर एक दवा का ट्रायल किया गया जिसकी वजह से उन 18 के 18 लोगों का कैंसर 100% ख़त्म हो गया और उन्हें एक नया जीवन मिल गया। इस क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 18 पेशेंट्स को 3 हफ्ते के लिए डोस्टरलाइमिन नाम की एक दवा का डोज दिया गया। कुल 6 महीने बाद जब उन 18 पेशेंट्स का टेस्ट किया गया तो उन 18 लोगों में कैंसर का एक भी लक्षण नहीं था, यानी कि ट्रायल में शामिल सभी लोगों का कैंसर 100% ख़त्म हो गया था। कैंसर को लेकर ऐसा चमत्कार पहली बार हुआ है। लेकिन आखिर एक लाइलाज बीमारी पर काम करने वाली ये दवा डोस्टरलाइमिन क्या है और किस तरह काम करती है, आइए जानते हैं। दरअसल जब भी कभी किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उस व्यक्ति के शरीर में मौजूद कैंसर सेल एक तरह के प्रोटीन को रिलीज करते हैं और ये प्रोटीन उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति इस दवा का डोज लेता है तो इस दवा में मौजूद एंटीबॉडीज शरीर में कैंसर के सेल को बढ़ने से रोकते हैं और जहरीले प्रोटीन को बनने से रोकते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल शरीर के दूसरे हिस्सों में असर नहीं डाल पाता और शरीर का इम्यून सिस्टम वापस से एक्टिवेट हो जाता है और कैंसर के सेल को खुद ही ख़त्म कर देता है। इस दवा की कामयाबी के बाद मेडिकल की फील्ड में हैरानी और खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और अगर कोई छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट है तो उसे डॉक्टर आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, आखिर डोस्टरलाइमिन दवा की एक खुराक की कीमत कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये दवा अभी अपने ट्रायल स्टेज में है तो इसलिए इस समय इस दवा की कीमत लगभग $11,000 के आसपास है, जो कि लगभग 8 लाख रुपए के बराबर होता है। और किसी भी व्यक्ति को कैंसर से ठीक होने के लिए इस दवा की कुल 8 खुराक 6 महीने तक लेनी होगी, जिसका कुल खर्चा लगभग 68 लाख रुपये के आसपास होगा। और वैसे भी अभी इस दवा पर कई ट्रायल होने बाकी हैं और अगर एक बार ये दवा सभी ट्रायल पर खरी उतरती है तो इससे कैंसर से पीड़ित लोगों को एक नया जीवन मिलेगा, जो वाकई में एक खुशी की बात है। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत पर आ चुके हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो में।